दिस इज लेसन 1.1 ऑफ ऑन पेज नंबर 13 एंड ऑफ कॉस्ट शीट. ओके, सो कंप्यूट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, एक्सपेंसेस ऑफ परचेज 5,000, डायरेक्ट वेजेस 50,000, प्राइम कॉस्ट 1,00,000. ओके, सो सी हियर हाउ टू सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट. एज यू नो, फर्स्ट इट कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, देन डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, देन प्राइम कॉस्ट. ओके, सो यू आर गिवन प्राइम कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,00,000 इन द क्वेश्चन. ओके, एंड देन नेक्स्ट वन यू हैव, व्हाट यू आर गिवन इज डायरेक्ट वेजेस 50,000. ओके, सो आई हैव रिटन 50,000 एंड आफ्टर बैलेंस फॉरवर्डिंग बट आई विल गेट द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज 50,000. ओके, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड. ओके, सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो मुझे क्या निकालना है, परचेज निकालना है. तो कंजम्पशन मुझे गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज के लिए मैंने एक्स मान लिया, एक्सपेंसेस मेरे पास 5,000 दिए हैं और क्लोजिंग स्टॉक 15,000. ठीक है, तो ये 10 और 5 तो 15,000 हो जाएंगे और ये एक्स एज इट इज़ रहेगा और माइनस, तो 15 से 15 कट जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 50,000.